ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी आशियाने में एक टूनी नामक चिड़िया बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टूनी चिड़िया को उसके बच्चों के सिवा इस संसार में कोई नहीं था। वह अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ भोजन ढूंढने के लिए आशियाने से दूर दराज एक सुनसान इलाके में चली जाती है, जहाँ न कोई पक्षी था न कोई पेड़। अरे ये हम कहाँ आ गए बच्चों, यहाँ तो कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही यहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ नजर आ रहा है। हाँ, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने घोंसले में कैसे जाएंगे? हाँ पुत्र, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर यहाँ तो पूरा साफ मैदान ही मैदान है और बड़े बड़े पहाड़ है। हम किस रास्ते से यहाँ आए थे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ देखिए, वहाँ एक पहाड़ है, हम उस पहाड़ के ऊपरी सतह पर जाकर देखते हैं, वहाँ से हमें बाहर जाने का रास्ता दिख जाएगा। हाँ पुत्र, तुमने सही कहा, चलो हम वहीं चलते हैं। टूनी चिड़िया अब तो बच्चों को लेकर एक बड़े से पहाड़ पर लेकर जाती है। वो सब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, रात भी एकदम करीब थी। अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माँ अब तो अंधेरा भी हो गया, अब हम घर कैसे जाएंगे? बच्चों लगता है आज रात हमें इसी पहाड़ी पर बितानी होगी, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है और रास्ता भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम आज रात इसी पहाड़ पर सो जाते हैं, कल सवेरे ही हम यहाँ से रास्ता ढूंढकर अपनी आशियाने में चले जाएंगे। टूनी चिड़िया अब तो बच्चों को लेकर उस अंधेरी रात में उसी पहाड़ी पर सो जाती है। तभी वहाँ कुछ भूतिया पक्षी प्रकट होते हैं, जो उसी इलाके के थे। वो सारे भूतिया पक्षी जैसे ही टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को देखते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये कैसा अजूबा हो गया रे, आज हमारे इस इलाके में शिकार खुद चल के हमारे पास आ गया। अरे ये तो देखो, कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं इस चिड़िया के। इन बच्चों को तो खाऊंगी मैं। मैंने सुना है छोटे बच्चों को खाने में बहुत मजा आता है। भूतिया पक्षियों की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो जैसे ही सारे भूतिया पक्षियों को देखती है, वो जोर जोर से चिल्लाती है। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसको बच्चों भी जग जाते हैं। अरे ये तो सारे भूतिया पक्षी हैं। हाँ चिड़िया, हम सारे भूतिया पक्षी ही हैं और अब हम सारे भूतिया पक्षी तुझे और तेरे बच्चों को नोच नोच कर खाएंगे। नहीं नहीं भूतिया पक्षियों, मेरे बच्चों को और मुझे कुछ मत करना। तभी भूतिया बास एक बच्चे को पकड़ कर घायल कर देता है। ये देखकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बक्शियो, मेरे बच्चों को मत मारो। ऐसे कैसे न मारे तेरे बच्चों को चिड़िया, इतने बरसों बाद हमें एक साथ इतने पक्षियों को खाने का मौका मिल रहा है, ऐसा मौका हम अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं। तभी भूतिया बास चिड़िया के दूसरे बच्चे को उठाता है और वो उसे जैसे ही खाने लगता है, तभी एक बूढ़ी भूतिया चिड़िया तेजी से उड़ती हुई आती है और वो भूतिया बास को एक जोरदार फटका मारती है कि भूतिया बास सीधे जमीन पर गिरता है। अरे बाप रे बाप, अरे कौन है री? ए भूतिया चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे साथी को मारा। टूनी चिड़िया जैसे ही उस भूतिया बूढ़ी चिड़िया को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो बूढ़ी भूतिया चिड़िया और कोई नहीं बल्कि टूनी चिड़िया की स्वर्गवासी सास मीना चिड़िया थी और उसके बच्चों की दादी थी, जिसका बरसों पहले निधन हो गया था। अरे सासू माँ, आप यहाँ, ये कैसे हो सकता है, आप तो मर चुकी थी और अब ये भूतिया पक्षी कैसे बन गई? अरे हमारी दादी है, ये जिंदा है। भूतिया पक्षियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पोते को मारने की कोशिश की, मैं तुम सारे भूतिया पक्षियों का यही सर्वनाश कर दूंगी। अरे भूतिया चिड़िया, तुम सर्वनाश करोगी हमारा? अरे तुम्हें तो हम कच्चा ही चबा जाएंगे, हम इस इलाके के सबसे खूंखार पक्षी। तभी सारे भूतिया पक्षी मिलकर एक साथ भूतिया मीना चिड़िया पर हमला कर देते हैं। मीना बूढ़ी भूतिया चिड़िया घायल हो जाती है। साथियों, हमने इस बूढ़ी भूतिया चिड़िया को तो ठिकाने लगा दिया, अब हम इस चिड़िया और उसके बच्चों को खाते हैं। चिड़िया अब तुझे और तेरे बच्चों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। चिड़िया अब तुझे और तेरे बच्चों को हमसे कौन बचाएगा? सारे भूतिया पक्षी मिलकर टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को पकड़कर मारने लगते हैं। उन्हें मार मार कर पूरा जमीन महान कर देते हैं। सारे बच्चे
डर के कारण तड़प रहे थे। टूनी चिड़िया उन सब भूतिया पक्षियों से अपने बच्चों की जान की भीख मांगने लगी, पर उन भूतिया पक्षियों को उन मासूमों पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था और वो उन्हें और भी ज्यादा बेरहमी से मार रहे थे। दादी हमें बचाओ इन भूतिया पक्षियों से, देखो ये हमें मार रही है। दादी हमें बचाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। भूतिया दादी तो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे हिम्मत करके इन भूतिया पक्षियों से मुकाबला करना होगा, वरना ये भूतिया पक्षी मेरी बहू और मेरे पोतों को जान से मार देंगे। सारे भूतिया पक्षी टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को मारने लगते हैं। तभी भूतिया दादी चिड़िया एक लोहे की सलाख लेती है और एक एक कर सारे भूतिया पक्षियों के आंखों में घुसा देती है, जिसके बाद उन भूतिया पक्षियों को कुछ दिखाई नहीं देता। सब दर्द के कारण चिल्लाने लगते हैं। अरे क्या घुसा दिया रे आंख में, अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अरे मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बच्चों इससे पहले कि ये सारे भूतिया पक्षी अपनी शक्ति से देखने लगे, हमें यहाँ से भागना होगा। भागो बच्चों। भूतिया दादी और टूनी चिड़िया अपने सभी बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है और जाकर अपने आशियाने में अपने घोंसले में बैठ जाती है। बच्चों तुम ठीक तो हो ना? दादी अगर आज आप नहीं होती ना, तो हम भूतिया पक्षियों का शिकार बन गए होते। सच में इस संसार से जाने के बाद भी आपने हमारी रक्षा की है। तुम सब मेरी संतान हो, मैं अपनी संतान को तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगी, कभी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। इसी तरह मरने के बाद भी एक भूतिया चिड़िया दादी ने अपने पोतों की जान बचाई और उन्हें खूंखार भूतिया पक्षियों से बचा लिया।